अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो अज़ीज़ तलबा, गुज़िश्ता दर्स में हम लोगों ने एक्सरसाइज 12.1 का क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 को हल किया था। आज उसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए हम लोग हल करेंगे क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें हमें क्वेश्चन नंबर 3 में जो एक्सप्रेशन है उसमें दो चीज़ें हैं, एक कंस्टेंट है और दूसरा टर्म है। एक कांस्टेंट टर्म है जो एक नंबर साबित नंबर है, और एक ऐसा टर्म है जो कई चीज़ों को मिलकर के बना है, जैसे उसमें नंबर है, उसमें वेरिएबल है, और हो सकता है जो वेरिएबल है उसका पावर हो या पावर ना हो। जैसे पहला एग्जांपल हम लेते हैं सवाल नंबर 3 का, 5 - 3x स्क्वायर। अब यहां पे देखें, इसके अंदर दो टर्म है, एक कंस्टेंट का टर्म है और एक गैर कंस्टेंट टर्म है। इसमें हमें कोफिशियंट बतलाना है, न्यूमेरिकल कोफिशियंट, यानी ऐसे कोफिशियंट जो नंबर की शक्ल में दिए हुए हैं। एक टर्म ये हो गया और दूसरा टर्म ये है। तो इन दोनों टर्मों में ये एक कांस्टेंट टर्म है, एक साबित नंबर है, और ये उसके अलावा एक ऐसा टर्म है जिसमें नंबर भी है, वेरिएबल भी है, और वेरिएबल पे पावर भी है या पावर नहीं है। तो इसमें हमें जो गैर कांस्टेंट टर्म है उसी को हमें यहां पे बतलाना है कि इसका न्यूमेरिकल कोफिशिएंट क्या है, ऐसा कोफिशिएंट जो नंबर है। क्योंकि अगर मान लीजिए एक्स आता है तो यहां पर भी इसका भी कोफिशिएंट है, और इसके कोफिशिएंट को हम क्या मानेंगे, एक मानेंगे। ऐसे ही जो 2x है, यहां पर 2 जाहिर हो गया, तो ये हो गया क्या, न्यूमेरिकल कोफिशिएंट। ये नॉन न्यूमेरिकल कोफिशिएंट है, ये न्यूमेरिकल कोफिशिएंट है। तो हमें इस एक्सप्रेशन में जो न्यूमेरिकल कोफिशिएंट है सिर्फ उन्हीं को बतलाना है, उन्हीं टर्म को लेकर के उसकी तहलील और उसका तजिया करना है। तो जो वेरिएबल से मिले हुए हैं सिर्फ उन्हीं के कोफिशिएंट को हमें बतलाना है, और जो नॉन वेरिएबल्स हैं, जो नंबर के टर्म हैं, उन्हें हमें नहीं टच करना है। तो इसमें आपने देखा कि 5 को हमें इसका वेरिएबल नहीं बतलाना है कोफिशिएंट, बल्कि हमें किसका बतलाना है, 3x स्क्वायर। तो 3 - 3x स्क्वायर में -3 ये क्या है, यही न्यूमेरिकल कोफिशिएंट है। ये क्या है, न्यूमेरिकल कोफिशिएंट। ऐसे ही सवाल नंबर 2 में या जूस नंबर 2 में हमारे पास है 1 + t + t² + t³। अब यहां देखें, हमें इस पार्ट को नहीं लेना है, हालांकि ये एक टर्म है, ये भी एक टर्म है, ये भी एक टर्म है, ये भी एक टर्म है। तो जो नंबर की शक्ल में टर्म है उसे हमें टच नहीं करना है। इसमें हमें यह नहीं बतलाना है कि ये इसमें कौन सा कोफिशिएंट है। इसके साथ भी कोफिशिएंट है, वो है 1 × 1, दो फैक्टर इसमें भी जुड़े हुए हैं। ऐसे ही यहां तो हमको बतलाना क्या है, जो न्यूमेरिकल है, जो किसी वेरिएबल मुतगैर के साथ जुड़े हुए हैं। तो इसमें क्या है, इसमें न्यूमेरिकल कोफिशिएंट क्या है, एक है, क्योंकि एक से टी को आप मल्टीप्लाई करें। यहां पर क्या है, यहां भी एक है और यहां भी एक है, तो इन दोनों जगहों पे एक एक ही इसका कोफिशिएंट है। सवाल नंबर 3 पे आते हैं,
सवाल नंबर तीन है, x प्लस 2xy प्लस 3y। अब यहां पे देखें, हमको किसका बतलाना है, x का बतलाना है, 2xy का बतलाना है, 3y का बतलाना है। x का कितना हो गया, एक हो गया, 2xy का न्यूमेरिकल कोफिशिएंट क्या है, 2 है। ऐसे ही 3y का न्यूमेरिकल कोफिशिएंट क्या है, 3 है, इसके साथ 3 जुड़ा हुआ है, तो इसका भी हल हो गया। अब आते हैं हम सवाल नंबर 4 पे। सवाल नंबर 4 है, 100m प्लस 1000n। अब हमें इसका बतलाना है और इसका। अब यहां पे देखें, ये 100m है तो इसका कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा न्यूमेरिकल कोफिशिएंट, और इसका कितना है, 1000 है तो इसका 1000 हो जाएगा, और उसके साथ m और n जो पहले से ऑलरेडी मिला हुआ है ये उसका वेरिएबल फैक्टर है, क्योंकि ये 100 और m दो फैक्टरों से मिलकर के ये एक टर्म बना है। आ जाते हैं 5 पर, 5 को भी हल करते हैं, उसके बाद बाकी को आप खुद से इसी तर्ज पर हल कर सकते हैं, इसी तर्ज पर आप उसको डिफाइन कर सकते हैं, उसकी पहचान खुद से कर सकते हैं कि इसमें न्यूमेरिकल कोफिशिएंट क्या है, कौन है, कहां है, कैसे है। हम आते हैं माइनस पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर प्लस 7pq। यहां पे देखें, ये पी क्यू दोनों आपस में एक दूसरे से मल्टीप्लाई हो रहे हैं, यहां पे प्लस में है, यहां पे माइनस में है, और इस जगह में ये प्लस पे है। अब हमें इन दोनों का बतलाना है न्यूमेरिकल कोफिशिएंट। यहां पे देखें माइनस पी क्यू, तो यहां पे कितना हो जाएगा, माइनस 1, और यहां पे 7, तो ये दोनों इसके न्यूमेरिकल कोफिशिएंट हो गए। अब यहां पे पी क्यू इसलिए है क्योंकि असल में ये नंबर जो होता है या वेरिएबल जो होता है वो बताते खुद माइनस में नहीं होता बल्कि प्लस में होता है, लेकिन उसके साथ जो नंबर होता है, जो उसका कोफिशिएंट होता है, जो मुस्ततिर होता है, वो माइनस या प्लस में होता है, उसकी बेस पर वो अदद माइनस या प्लस हो जाता है। तो यहां पे ये असल में था पी क्यू, पी स्क्वायर एंड क्यू स्क्वायर। अब इसके साथ अगर हमने इसको माइनस 1 से इसको मल्टीप्लाई कर दिया तो ये हो गया माइनस पी स्क्वायर और क्यू स्क्वायर, क्योंकि आप किसी भी अदद को अगर एक से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो अदद वही सेम रहेगा। आप कुछ भी अदद ले लें, आप 100 को ले लें, आपने 100 को एक से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये 100 ही रहेगा, ऐसा नहीं है कि ये 100 से ज्यादा हो जाएगा। तो एक से आप किसी भी अदद को मल्टीप्लाई करें वो अदद वैसे का वैसे सेम ही सेम रहेगा। तो यहाँ पे जो वेरिएबल था वो वेरिएबल भी अपनी असली हालत पे बाकी रहा। अब फर्क ये था कि जिस अदद से हमने मल्टीप्लाई किया वो माइनस में था या प्लस में था, माइनस में था तो भी जो वेरिएबल था, जो एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन था और जो हरूफ थे वो उसी अदद के माइनस और प्लस के एतबार से माइनस और प्लस हो गए। ये था जितने भी हमने हल किए, ये पार्ट्स ए थे। अब पार्ट बी में कुछ मुख्तलिफ है, पार्ट बी जो है ये थोड़ा सा उससे एक्सटेंड है, इसमें कुछ नई चीजें आपको सीखने को मिलेंगी। बी में हमें यह बतलाना है कि जो एक्सप्रेशन दिया हुआ है, मान लीजिए हम मान लेते हैं पहला सवाल, 8 माइनस एक्स वाई स्क्वायर। अब इसमें जो वाई स्क्वायर के साथ, जो वाई स्क्वायर के साथ कोफिशियंट है उसे हमें बतलाना है, हमें वाई स्क्वायर का कोफिशियंट बतलाना है। तो वाई स्क्वायर का कोफिशियंट क्या होगा, उससे पहले वाला हिस्सा, उससे पहले वाला जो पार्ट है। अब यहां पे हमें वाई स्क्वायर कोफिशियंट को बतलाना है, तो यहां पे वाई के साथ क्या जुड़ा हुआ है, एक्स है, तो यहां पे वाई स्क्वायर का कोफिशियंट एक्स हो जाएगा। ऐसे ही सवाल नंबर 2 है, 5y स्क्वायर प्लस 7x। अब यहां पे हमें
वाई स्क्वायर के साथ जो कोफिशियंट है उसके बाद उसे बतलाना है, तो वाई स्क्वायर के साथ कोफिशियंट क्या है, 5, तो यहां पे 5 हो जाएगा। सवाल नंबर 3 पे आते हैं। सवाल नंबर 3 है 2x स्क्वायर y माइनस 15 एक्स वाई स्क्वायर प्लस 7 वाई स्क्वायर। अब यहां पे देखें y स्क्वायर के साथ कौन कौन सा टर्म आया हुआ है, ये y के साथ नहीं है इसको छोड़ देते हैं, ये जो है y स्क्वायर के साथ आया है, ये भी y स्क्वायर के साथ आया है, तो यहां पे y स्क्वायर के साथ y स्क्वायर से पहले क्या है, अब यहां पे देखें y स्क्वायर से पहले क्या है, 15x है ये पूरा का पूरा पार्ट, y से पहले क्या है 15x, तो यहां हो जाएगा 15x इसका कोफिशियंट, और यहां y से पहले क्या है 7 है, y से पहले यहां पे 7 है, अगर से इस y से पहले x भी होता या y होता कुछ भी होता तो जो y स्क्वायर से पहले जितना भी फैक्टर्स होता उसे हम y स्क्वायर का कोफिशियंट मानते, तो यहां पे सिर्फ 7 है इसलिए यहां पे इसका कोफिशियंट हो जाएगा 7, तो ये हुआ 15x इस कोफिशियंट, यहां पे 7 कोफिशियंट हुआ y स्क्वायर का, ठीक है। तो कोफिशियंट आपने बुनियादी तौर पे ये समझा कि जो वेरिएबल से पहले रहे या जिस का हम कोफिशियंट पूछ रहे हैं उससे लेफ्ट हैंड पे जितने भी फैक्टर्स हों चाहे वो आदत की शक्ल में हो या नंबर की शक्ल में हो उसे हम उसका कोफिशियंट कहते हैं। अगर सिर्फ कोई अदद मान लीजिए एक्स ही है तो इसका कोफिशियंट हम एक मानेंगे, इसका कोफिशियंट हम एक मानेंगे, लेकिन अगर यही एक्स जो है माइनस में है तो इसका कोफिशियंट हम -1 मानेंगे अगर वो अकेला है, लेकिन अगर इसके साथ 2x है तो हम इसका कोफिशियंट क्या मान लेंगे, 2 मान लेंगे। ऐसे ही 2yx है तो x का कोफिशियंट हम क्या मानेंगे, 2y मानेंगे। तो जिसका कोफिशियंट हमें बतलाना है उससे पहले क्या है वो हमें बतलाना है, बस ध्यान ये रखना है कि जब अगर कोई लफ्ज अकेला हो उससे पहले कोई हर्फ ना हो कोई आदद ना हो तो उसका कोफिशियंट जो होता गोया कि वो मुस्ततिर होता है, वो उस अदद के या उस नंबर के माइनस या प्लस के हिसाब से वहां पे -1 या माइनस या प्लस 1 मुस्ततिर होता है, वो उसका कोफिशियंट होता है। तो अब इसी पर ये दर्स खत्म करते हैं, अगले दर्स में हम इंशाल्लाह सवाल नंबर 5 और उससे आगे की चीजों को हल करेंगे और मजीद इसी से मुतालिक चीजों को वहां पे समझने की कोशिश करेंगे।